दोस्तों देखो अभी गणपति आया है हमारा यहाँ पे, और अभी हम लोग वहाँ पे बैठने वाले हैं। उससे पहले नागिन का पान रही थे, जो पान खाते हैं अपन ना, उसके पान रही थे, पान इधर मांड के रखे, मतलब उसको लगा के रखा है ऐसा। और अभी उधर वो उसको बोलते है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते तो त्याला, हाँ वो दिवा है, मराठी में दिवा बोलते हैं उसको। और समय बोलते हैं इसको, ये जो है ना ये इसको समय बोलते हैं हम लोग। और अभी पूजा कर रहे हैं हमारे मामा जी, ये पूजा अभी कलश का हो रहा है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों अभी इधर ये नागिन के पत्ते है, उसके ऊपर अपन ने हड़कुन रखा है, मतलब हल्दी का, हल्दी जिससे बनता है ना वो चीज़ वहाँ पे रखा है। उसके बाजू में नारियल है, केवल नारियल है, उसको सुपारी बोलते है। और सामने जो दिख रहे हो, ओ ये खाए हो, ये खाए मामी, हाँ नहीं नहीं यो यो बादाम है, वो ऐसा रख दिया है। और इस तरीके से हम लोग ने सजाया अपना गणपति बैठाने वाला जगह, तो उसका पूजा हो रहा है। देखो वो चीज़ का भी पूजा करना पड़ता है वो शास्त्र के अनुसार, पंडित जी ने बोला है वैसा करना पड़ता है, तो वैसा हम भी कर रहे हैं अभी। अभी हमारा तीसरा साल चालू है, दीवा बार बार जा रहा है क्योंकि बहुत हवा आ रहा है इधर इसके लिए। तो दोस्तों जब भी गणपति ये दरवाजे से अपने आता है, तो अपने को अपने घर के अंदर एक जगह पे रखना पड़ता है इधर। उसके बाद ये ऊपर दिखाए जो चीज़ आपको, उसका पूजा करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में गणपति का ये मूर्ति है, उसका पूजा किया जाएगा। उसके बाद अपन उसको वो जगह पे रखेंगे, और फिर उसका आरती में बोला जाएगा। अभी हम लोग ने देखो उसके लिए क्या लाए, मोतीचूर का लड्डू भी लाया है, ये सब कुछ मोदक हो चालन, मोदक ठेवा किंवा हे ठेवा चालन, माहौल एकदम मस्त है, बढ़िया है, खुशी का। तो अभी अष्टगंध के बारे में कुछ बोला था यूट्यूब में, हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। आप भी वैसे ही फॉलो करो, क्योंकि इतना प्रॉपरली नॉलेज नहीं रहता है अपने को। देखो अभी हम लोग आगे पूजा करने वाले हैं गणपति की, तो बाद में आरती करेंगे। हे गणपति पप्पा मी तुला अष्टगंध लावत आहे, ऐसा बोलना पड़ता है गणपति को जब अष्टगंध लगाते है तब। अभी देखो वही काम चल रहे, बच्चे लोग है, देखो सोसाइटी के बच्चे लोग है। क्या नाम है आपका? सृज्य, सृज्यान कुछ नाम है उसका। देखो फूल रखा है अभी। उसके बाद अगला वाला स्टेप क्या है, उसको जानवा बोलते हैं, वो चीज़ है उसको, उसको भी लगाने वाले हैं अपन। गड़बड़ लेकर अभी गुतड़ा हो गया है उसका, थोड़ा एक के अंदर एक दो दो रह गए हैं, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिटिकल हो रहा है। ये देखो साइड, ये देखो इसको जानवा बोलते हैं, वो सब रख देते हैं इधर। ये देखो ऐसा ऐसा रखना पड़ता है आगे। उसके बाद वस्त्रमाले हो, उसको वस्त्रमाल बोलते हैं, पहनेंगे। हाँ ये बाबा, ये देखो वस्त्रमाल थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा उसको कट करना पड़ेगा शायद। पप्पा मैं तुम्हारा वस्त्रमाल घलते है, ऐसा बोलना पड़ता है उसको जब पहना देते। हाँ तो फूला फूला, उसके बाद फूल अर्पण करना है। आपका
चल फुल वा पुढचं काय प्रोसेस आहे बघा. चला उसके बाद बोलना पड़ता है बप्पा मी तुम्हाला फुल म्हणाय. अब माझा काहीच विषय नाही, तुमचं चालू द्या ना. माझ्या कुठं काय चाललंय तव तुमचं चालू द्या. हा उजवा आहे ना पलीकडचा लाठी आहे. प्रतिष्ठापित करीत आहे. आता हे घे दुर्वा बुडव त्याच्यात तुपात. तूप मे दुर्वा डुबाना पडताय. उसके बाद आगे क्या होता है देखो. दोनों आग को दुर्वा लगाना पड़ता है. देखो उसके पैर को भी लगाना पड़ता है गणपति के. फाइनली वो जगह पे हम लोग ने गणपति बप्पा को रख दिया है. पहले यहाँ पे था हमारा गणपति, बाद में हम लोग वहाँ पे रख दिया है. अभी वो उधर ही रहेंगे 10 दिन तक. 10 दिन के बाद हम गंगा में विसर्जित करने वाले. निवड ठेवा आता. अभी हे गणपती के लिए मोदक बने आहे. देखो गाइज मस्त आहे. रखे जाएंगे वहां पे. देखो अभी नया दे रखने का काम हो रहा है. आगे क्या होता है 10 दिन उसके बाद प्रसाद मिलेगा सबको. चला फाइनली हमारा अभी सब कुछ खत्म हो गया. आरती अभी मोदक बांटेंगे सबको. प्रसाद मिलेगा. बच्चे लोग खुश है. अभी देखो सबके चेहरे पे खुशी है. खाने को मिलने वाला है अभी. चलो सही है. चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टूडियो में मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में. ये देखो बच्चे लोग कैसा कर रहे हैं. देखो बजा रही है घंटी. सही है सही है. तुला नहीं लगा. चल माझ्या गाडीवर येतो तुला. चल माझ्या गाडीवर सोडतो ना तुला बाबा. चल यायचं का बोल. कुठं जायचं. कुठं जायचं.